हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम कैश का डेटा को यहाँ पे डिस्कस कर ले। तो हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये जो नंबर है काफ़ी बड़ी काफ़ी हैवी क्वांटिटी में दिख रही है, तो यहाँ पे ब्लॉक डील की गई होगी। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। कोफोर्ज के अंदर ब्लॉक डील की गई थी, मनापुरम के अंदर ब्लॉक डील की गई थी, इस वजह से ये कैश का जो नंबर है इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट हमें दिख रहा था। बट एंड ऑफ द डे हमें सेलिंग प्रेशर में मार्केट दिखी। अगर हम बात करें कल के डेटा की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो FIIs है, नेट सेलर है, लगभग 4600 करोड़ के आसपास इन्होंने कैश में सेलिंग की है। वहीं DIIs ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की और लगभग 1400 करोड़ के आसपास इन्होंने कैश में बाइंग की। तो ये नंबर एक बेयरिश दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बेयरिश। अगर हम बात करें यहाँ डेरिवेटिव के डेटा की, तो फ्यूचर के अंदर आपको दिखेगा जो क्लाइंट है वो बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। लगभग 9000 के आसपास उन्होंने लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट बनाई है फ्यूचर के अंदर। DIIs की कोई खास एक्टिविटी नहीं है। प्रॉप डेस्क ने यहाँ पे मैसिव शॉर्ट क्रिएट किया है 15000 के आसपास। अगर हम बात करें सॉरी FIIs ने मैसिव शॉर्ट क्रिएट किया है 15000 के आसपास, और प्रॉप डेस्क ने यहाँ पे 6000 के आसपास लॉन्ग की कॉन्ट्रैक्ट बनाई है। तो टोटल अगर हम देखें तो 15000 के आसपास फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाई गई। मार्केट सारा दिन प्रेशर में था, तो ये एक शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है कि फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की पोजीशन बनाई गई है। और ऑप्शन में जो बड़े प्लेयर हैं वो शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं, बट इंटरेस्टिंगली जो क्लाइंट है वो भी शॉर्ट की पोजीशन कैरी कर रहे हैं ऑप्शन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू डेटा पॉइंट जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट को ऊपर ले जाके क्लाइंट का स्टॉप लॉस हिट करवाया जाए, देन आफ्टर मार्केट नीचे अपना मूव जो डाउन ट्रेंड है वो रिज्यूम करे। तो अगर डेटा पॉइंट का कंक्लूजन निकाले तो कैश का डेटा हमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है, तो इसे हम बेयरिश लेके चलेंगे। अगर हम ऑप्शन के डेटा की बात करें तो ये भी नेगेटिव है और फ्यूचर भी हमें नेगेटिव। तो तीनों डेटा पॉइंट का यूनिडायरेक्शनल व्यू है वीकनेस की तरफ, तो मार्केट जो है वो वीकनेस के साथ ट्रेड कर सकती है। जैसा मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में ग्रीन में जाए, जिससे कि ये जो क्लाइंट ने यहाँ पे मैसिव शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया जाए, देन आफ्टर सेकंड हाफ में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले मार्केट के अंदर। ये डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन देखें, आज हम ऑप्शन चेन भी यहाँ पे देख लेते, तो जनरली हम इसका एनालिसिस नहीं करते, बट यहाँ पे डेटा काफी इंटरेस्टिंग है तो ये देखना जरूरी है। तो 19300 पे आपको देखेगा कि मैसिव कॉल राइटिंग की गई है। यहाँ पे लगभग 1,66,000 के आसपास यहाँ पे फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाई गई है। इनटू 50 आप कर दीजिए तो ये नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 2 लाख के आसपास का OI है 19300 पे। वहीं अगर हम पुट साइड में देखें तो इन द मनी में आपको दिखेगा जो पुट राइटर है वो अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ जो है इन द मनी में कॉल राइटर अपनी पोजीशन को ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स कि बिल्कुल क्लियर कट ये सिग्नल दे रहा है कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो वीक रहने के चांसेस है। तो 19300 के ऊपर थोड़ी देर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो फिर हम देखते हैं कि ये पोजीशन कितनी क्लोज की जाती है। अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग की जाएगी जो बड़े प्लेयर हैं उनके द्वारा भी, तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग की जा रही है। तो कल 19300 का स्ट्राइक को बहुत क्लोजली फॉलो करने की ज़रूरत है, ये हमें बता देगा कि मार्केट का डायरेक्शन कब चेंज होने वाला है। चलिए अगर हम यहाँ चार्ट पे डिस्कस करें, तो हमने डिस्कस किया था कि हमें सेलिंग करना है, हम बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। बट मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ये जो रीडिंग हम कर रहे हैं इसे हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आपको दिखेगा हमने ये किया था कि ये ट्रिपल करेक्शन के अंदर एंटर कर रहा है। यहाँ पे वेव ए का फॉर्मेशन हुआ, इधर कहीं वेव बी का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे वेव बी का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा और यहाँ से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली। मैंने बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किया हुआ है, तो बिल्कुल इस जगह पे, और जो शॉर्ट है मैंने बैंक निफ्टी में क्रिएट किया है, निफ्टी में के अंदर नहीं किया। तो यहाँ से एक हमें शार्प फॉल देखने को मिला, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि अब यहाँ से सी वेव का फॉर्मेशन होगा। तो सी का मूव मैंने बताया था आपको, जनरली ये 5 मूव में आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे मैंने टारगेट भी प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो जो निफ्टी का टारगेट निकल के आ रहा है, निफ्टी एटलीस्ट यहाँ पे जो सी का लेंथ है वो ए के लेंथ के बराबर होगा, मतलब सी इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये आपका एक फ्लैट करेक्शन के अंदर आ रहा है। तो ए को अगर हम सी का लेंथ प्रोजेक्ट करें तो ये 18800 के आसपास का आ रहा है, तो निफ्टी यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। तो निफ्टी के पास काफ़ी स्पेस है ये ट्रैवल करने के लिए। तो हमारे पास 3 सिनेरियो बनते हैं, या तो निफ्टी गैप अप खुले, अगर गैप अप खुलेगा तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये वेव 1 बना, यहाँ पे वेव 2 बनना चाहिए, और देन आफ्टर यहाँ से वेव 3rd का फॉर्मेशन होगा। फिर हो सकता है यहाँ पे आपको वेव 4th बनता हुआ दिखे, और देन आफ्टर वेव 5th का फॉर्मेशन, कुछ इस टाइप से ये प्राइस एक्शन देखने को मिले। तो या तो ऊपर हमें मिले कहीं पे भी, अगर ये फ्लैट खुलता है और सीधा ये इसे ब्रेक कर देता है तो हम ये कंसिडर कर लेंगे कि वेव 2nd बन गया और वेव 3rd का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स कि बहुत तेज मूव आएगा नीचे के साइड में, तो ये स्विंग ब्रेक करते के साथ हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे नीचे में, 1:2 हम प्लान करेंगे इंट्राडे के अंदर। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि आपका ये आपका वेव 1 बना, ये ए बी और सी यहाँ पे आके 14% या फिर मान लीजिए कि आपका 19350 से लेकर 19425 तक के बीच में कहीं पे भी आपका वेव 2nd का फॉर्मेशन हो सकता है। ये दोनों कंडीशन है, हम दोनों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ आने के बाद कोई भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखता है, अग्रेसिव शॉर्ट करेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस, और नीचे में फिर हम एक बड़ा टारगेट प्लान करेंगे।
तो ये हमारा निफ्टी में प्लान ऑफ एक्शन हो गया। या तो ये ऊपर जाए तो भी हम शॉर्ट के लिए देखेंगे, या फिर ये ब्रेक करे तो हम अग्रेसिव शॉर्ट करेंगे। तो हम सेल ऑन राइज यहाँ पे देखेंगे, ना कि हम लॉन्ग के साइड का कोई ट्रेड देखेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैंने थोड़ी रीडिंग चेंज की है यहाँ पे। रीजन बिंग यहाँ पे एक डिग्री के अंदर हम ये एनालिसिस 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, क्योंकि ये 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डिग्री बन रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसे स्विच कर देंगे डेली चार्ट पे, और देन आफ्टर हम 15 मिनट पे एनालिसिस करेंगे। तो अभी अगर हम 75 मिनट में देखें, तो मैंने पहले कंसिडर किया था कि ये आपका 1, 2, यहाँ पे आपका वेव थर्ड, ये फोर्थ और ये वेव फिफ्थ बना था। बट थोड़ी चेंजेस मेरे को यहाँ पे देखने को मिली। चेंजेस ये थे कि अगर आप हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो फिर आपको इसके अंदर ये जो थर्ड हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, यहाँ पे 5 मूव नहीं दिख रहा था। बट यहाँ पे अगर हम इसे ऐसे कंसिडर करें कि ये वेव ए है, ये बी है, और यहाँ से ये सी का फॉर्मेशन हुआ, तो सी के अंदर 5 मूव जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा ये 1, ये 2, और यहाँ से ये वेव थर्ड बना। तो ये थर्ड में आपको दिखेगा 1, 2, ये आपका 3, ये 4 और ये 5। तो ये 5 मूव में ये हुआ, तो ये आपका इस काउंट को ये जस्टिफाई कर रहा है। तो हमने काउंटिंग को थोड़ी बहुत चेंजेस की है। देन आफ्टर ये आपका 5 मूव बना, तो हमने इसे ए का फॉर्मेशन लिया। अब यहाँ पे बी का फॉर्मेशन हुआ। मैंने आपको बताया था कि एक हमें अप मूव देखने को मिल सकता है, और ये अप मूव मिला, और बिल्कुल यहाँ पे मैंने शॉर्ट इनिशिएट किया है इस लेवल पे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर अब यहाँ से वेव सी का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 5 मूव में होगा। तो अगर ये वेव 1 बन रहा है, तो इट मीन्स कि हम कंसिडर करेंगे तो 1, 2, ये 3, ये 4, और हो सकता है एक वेव 5 बने। इसके बाद देन आफ्टर एक पुल बैक आए। बट अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो आपको थोड़ी सी रीडिंग थोड़ी डिफरेंट दिखेगी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे भी वेव आपका सेम फॉर्मेशन करता है। तो ये 1, ये 2, ये आपका 3, ये 4 और ये 5th। तो यहाँ पे ये 5 वेव का कंफर्मेशन मिल रहा है 15 मिनट पे। देन आफ्टर इट मींस कि ये वेव 1 का फॉर्मेशन हुआ, अब यहाँ से वेव 2 बनेगा। तो या तो यहाँ पे वेव 2 का फॉर्मेशन बन चुका है, अगर ये बना है तो ये डायरेक्टली फ्लैट खुलेगा और इसको ब्रेक करेगा, हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। या फिर ये ए बी और सी करके यहाँ पे आपका कहीं 44,400 से लेकर 500 के बीच में वेव सेकेंड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ आने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कोई भी प्राइस एक्शन दिखता है डबल टॉप का, तो हम शॉर्ट करेंगे स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस, या फिर 100 रुपये का स्टॉप लॉस, और नीचे पे 1:2 के लिए हम प्लान करेंगे, हमें एक अच्छा टारगेट नीचे में देखने को मिल सकता है। या दूसरा सिनेरियो ये बनता है, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट भी डिपेंड करता है, मैटर करता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये डायरेक्टली यहाँ पे आपका इस जगह पे खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले और इस स्विंग को ब्रेक करे। ये ब्रेक होते के साथ हम शॉर्ट करेंगे, ऊपर में 100 रुपये का स्टॉप लॉस, नीचे 1:2 के लिए हम यहाँ पे प्लान करेंगे, जो कि इजीली अचीवेबल होगा। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा सेम प्लान ऑफ एक्शन होगा, सेल ऑन राइज इंस्टेड ऑफ बाई की जगह। तो हम बाई के साइड का कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे, और जो भी हम सेल करेंगे वो 100% क्वांटिटी पे शॉर्ट करेंगे। स्टॉक्स की बात करें तो एबी कैपिटल में थोड़ा वीकनेस होता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि हमें यहाँ एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। प्राइस एक्शन आपको दिखेगा ऐसा हो, ये आपको ए का फॉर्मेशन दिखेगा, ये बी और ये सी चल रहा है। तो सी में ऐसा हो सकता है कि ये शायद आपका वेव 1 बना, 2 और ये 3, 4, 5 कुछ इस टाइप से आए। तो अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर 179 के नीचे निकलता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर में हम 1 से 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए प्लान करेंगे। जिंदल स्टील भी एक सेलिंग प्रेशर में दिख रहा है, प्राइस एक्शन भी बन रहा है। प्राइस एक्शन अगर आप देखते हो, ये लोअर लोज के फॉर्मेशन में आ रहा है, तो कल अगर ये फ्लैट खुल के नीचे को निकलता है 634 के नीचे, हम शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर में 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस 1:2 के लिए प्लान करेंगे। एनटीपीसी में भी सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, ये आपका ए का फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे बी हो और यहाँ से सी का फॉर्मेशन हो, तो कुछ इस टाइप से हमें एक प्राइस एक्शन देखने को मिले। और प्लस अगर हम देखेंगे तो ये पहला जो सेल था, फर्स्ट पुल बैक को हम बाई नहीं करते, तो ये भी हो सकता है कि ये रिट्रेस करे और यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके वापस से एक नया हाई लगाए। तो क्योंकि हम इंट्राडे में प्लान करेंगे, तो हम यहाँ पे 217 के नीचे इसको शॉर्ट करेंगे। ऊपर में हम 1.5 से 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए नीचे में प्लान करेंगे। बाई के लिए IGPL कैश का स्टॉक है, जो कि अच्छा मोमेंटम में कल था और आज भी कल भी अच्छा मोमेंटम कर सकता है, तो इसको 506 के ऊपर बाई करेंगे। फ्लैट खुलता या थोड़ा गैप अप खुले, 506 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम इसे लॉन्ग करेंगे, नीचे में 5 रुपये का स्टॉप लॉस और 1:2 के लिए प्लान करेंगे। ये आपका 515-520 तक का टारगेट दिखा सकता है। मैंने आपको शेयर किया हुआ था यूरो का चार्ट, एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं आपको यूरो का चार्ट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो टारगेट था वो हमारा सारा टारगेट अचीव हो गया। हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था यूरो को पोजिशनली, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी रीडिंग एज इट इज़ है। तो आप जाके पिछले आई बिलीव लास्ट फ्राइडे को मैंने ये वीडियो शेयर किया था, या सैटरडे को, लास्ट टू लास्ट वीकेंड या लास्ट वीकेंड में शेयर किया था। तो यहाँ पे शॉर्ट किया था, ये स्टॉप लॉस था हमारा, और जो पहला टारगेट था यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी बुक करेंगे, बाकी सारे क्वांटिटी को होल्ड करेंगे सेकंड टारगेट के लिए 89.1675 के लिए। अब देख सकते हैं कि 2.2425 रुपये के आसपास का मूव यहाँ पे यूरो में पकड़ा, जो कि बहुत मैसिव मूव होता है करेंसी के अंदर। आप अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 4 लॉट में भी ट्रेड किया हुआ था, तो लगभग आपको 4 लॉट में आपने मार्जिन यहाँ पे यूज़ किया होता,
अप्रॉक्सीमेटली 10,000, और चार लॉट में ये जो प्रॉफिट है ये लगभग 15,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो मैं एक ऐसा ही आपको लाइक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा करेंसी ट्रेडिंग होता है। अगर आप करते नहीं तो आप प्रेफर कर सकते हैं, हमारा एक चैनल है करेंसी ट्रेडिंग का, करेंसी वेदा के नाम पे, जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली एनालिसिस करता हूँ करेंसी का, चाहे वो यूएसडी आईएनआर हो, यूरो आईएनआर हो या फिर जीबीबी आईएनआर हो। तो आप वहाँ पे उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे करेंसी का एनालिसिस देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये डिस्कस किया था कि ये आपका जो है यहाँ पे बी का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे सी का फॉर्मेशन होगा। तो सी का जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ए, जैसा मैंने निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आपको बताया। तो ये जो आपका लेंथ है ए का, ये सेम लेंथ है सी का, जो कि इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ से ये फॉल आया। तो इट मीन्स सी इज इक्वल टू ए, और या फिर आप बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे ये करेक्शन कंप्लीट हुआ, मैंने यहाँ पे सारा पोजीशन बुक किया, प्लस मैंने टेलीग्राम पे भी ये अपडेट शेयर कर दिया था कि यूरो में जो टारगेट है वो आ चुका है, सो यू कैन एग्जिट। तो ये था टोटल एनालिसिस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो करेंसी वेदा, क्योंकि वहाँ पे मैं करेंसी का एनालिसिस कंप्लीटली ऑलमोस्ट एवरी डे वहाँ पे करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।